5 मिनट दे देते जी, नहीं ये बाबरा वाला सब प्लीज। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो आईन के आर्टिकल 67 सब आर्टिकल 2 की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 67 सब आर्टिकल 2 अंटिल रूल्स आर मेड अंडर क्लॉज 1 द प्रोसीजर एंड द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड बाय द प्रेसिडेंट। 67(2)(1) इन रूल्स के मुताबिक आईन के अंदर जो इदारे हैं उनकी अलहदा अलहदा से हैसियत का तायुन करने के बाद, जिसमें मुसल्ला अफवाज हैं एक जगह एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, एक जगह मुकन्ना है और एक जगह पे अदलिया है, एक पाबंदी इस आईन ने लगाई है, आज नहीं लगाई, 18वीं तरमीम में भी नहीं लगाई, 1973 में लगाई थी, वो आर्टिकल 68 में है। पाबंदी ये कहती है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिसे शूरा द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ द हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। पहली बात जनाबे वाला मोहतरम ख्वाजा साहब ने दो मुकदमात का अपनी गुफ्तगू में और फिर अदलिया के बारे में भी कुछ कमेंट्स आए हैं जिक्र किया। पहला मुकदमा उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट में गया, वहां से कन्विक्शन की जजमेंट आई और उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, ये एक सब जुडिस मैटर है और पाकिस्तान का फौजदारी कानून कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये कहता है कि अपील इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल, कि अपील तसलसल है उस ट्रायल का जो हुआ है नीचे अदालत ट्रायल में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि जनाब नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमे हैं वो किस तरह से बनाए गए, उन मुकदमों का फैसला हुआ ट्रायल कोर्ट से। अपील्स की पेंडेंसी के दौरान जाब्ता फौजदारी के तहत दफा 87 और 88 की कार्रवाई करके उनको इश्तिहारी करार दिया गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको कहा गया, इसलिए यह मामला भी पेंडिंग है। मैं पहली आपसे दरखास्त यह करना चाहता हूं कि अदलिया के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो जो बात की गई है उसको आप एक्सपंज करें, क्योंकि यह आईन की खुली खिलाफवर्जी होगी। एक दूसरी जी दूसरी बात जनाब, अभी मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया है कि ये बुधवार का राज क्या है और साथ उन्होंने ये ऑफर की है कि वो गवर्नमेंट अगर कोई बिल लेके आती है तो उसमें उनकी तजावीज अगर सुनी जाए, लेकिन वो रुक गए। मैं उनका जुमला मुकम्मल कर देता हूं, आप तजावीज दीजिए, हम उनको एग्जामिन करके आपके साथ बैठ के, आप कल सुबह ले आइए, हम उनको देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन कानून पे आप तजावीज नहीं देंगे आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनको वोट जरूर दें आप। तीसरी बात वो भी उन्होंने कही, मौलाना साहब ने कहा कि जनाबे स्पीकर जो आपके 2 साल रहते हैं, मौलाना साहब को मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये आगे देखना शुरू हो गए हैं सही तरफ। मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया कि जो 2 साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के रहते हैं उन 2 सालों का वक्त उनको दे दिया जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं और बुधवार का राज खोल देना चाहता हूं, आज हमारी अभी मीटिंग हुई है, सारे इत्तेहादी वहां पे मौजूद थे, वो सारे एक पेज पे हैं, आने वाला परसों का बुधवार इंशाल्लाह हम ज्वाइंट सेशन करेंगे और दिन के 12 बजे ज्वाइंट सेशन करेंगे। आपने जो कहा था ख्वाब आपका, हमने वो पूरा कर दिया बुधवार वाला। तीसरी बात सर मैं कर रहा था, आखिरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की किसी तजवीज को पसे पुश डालकर या रद्द करके, जो भी उनके लफ्ज थे, उसके खिलाफ कानून साजी की गई है। मैं उनको ओपन दावत देता हूं, बताइए वो कानून साजी। और दूसरा मैं पूरे हाउस की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों मुझे इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मिले थे और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का गिला यह है, यह भी बहुत लंबे अरसे से बना हुआ एक आईनी इदारा है,
कि जो रिकमेंडेशंस वो भेजते हैं यहां उनके ऊपर बेस्ट मुबाइसा हाउस में नहीं होता। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो आईनी इदारा उसको रिडंडेंट ना समझा जाए, उसकी एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन में पार्लियामेंट के लिए जो भी तजावीज आती हैं, मैं दरखास्त करता हूं सारे पार्लियामेंट्री लीडर से और पार्लियामेंट्री पार्टियों से और स्टेक होल्डर से कि आप तारीख तय कर दीजिए, एक दिन पूरा उन रिकमेंडेशंस पे बहस हम कर लेते हैं, उसमें से कानून साजी की जो जो गुंजाइश निकलती है वो आप स्पीकर ऑफिस को दें, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स को दें, उसको हम दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। और सर मैं आखिरी एक लाइन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कमेटी है जो आप सबने बनाई है, कमेटी है जो सदा रही है, कमेटी है जो मुल्क में मार्शल लॉ के जमाने में भी रही, कमेटी है जब ऑपोजिशन 14 लोगों पे थी और बीबी शहीद उसकी ऑपोजिशन लीडर थी तब भी वो रही, उस कमेटी में से बायकॉट ऑपोजिशन अपना खत्म करे। अगर हाउस को चलाने के लिए आप देखते हैं स्पीकर की तरफ, जो जायज बात है, स्पीकर्स ऑफिस इज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, तो फिर आपको जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें वापस आना चाहिए। आपका फैसला उससे हाउस के बिजनेस को नुकसान होता है और वो चलाने के लिए जरूरी है। जब आप समझें कि आपकी बात नहीं सुनी गई तो बायकॉट की एक पार्लिमानी रिवायत तो मौजूद है, लेकिन बायकॉट होता है शॉर्ट टर्म उस डेट के ऊपर जिसको हम वॉकआउट कह सकते हैं। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उस हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आइए, जो मसाइल हम यहां बोलते हैं वहां वो तय करके फिर आप तकरीर किया करें। जी ये क्वेश्चन और खत्म हो गया, ये मैं चुट्टी की दरखास्त इसके बाद अब क्या कर लेती। राणा मुबशर इकबाल देते हैं जी, मैं आज इजलास लंबा चलाऊंगा, फिक्र ना करें, जो जो बात करना चाहते हैं बात उसको देते हैं जी। राणा मुबशर इकबाल, महदूम सईद समी गिलानी, जनाब आबिद हुसैन बैयो, जनाब गुलदाद खान, इंजीनियर उस्मान खान तरकई, जनाब मुख्तार अहमद मलिक, जनाब खालिद खान, जनाब अजहर कयूम, जनाब आफरीन खान, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा, जनाब मोहम्मद खान डा, मोहतरमा सोबिया कमाल खान, सईद मुबीन अहमद, मेहर इरशाद अहमद खान, चौधरी मोहम्मद अशरफ, जनाब सलाउद्दीन, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, मोहतरमा अंदलीब अब्बास ने छुट्टी की दरख्वास्त की है, क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। ये कहते हैं मैं जाना चाहता हूं, अब आप आपस में डिसाइड करें वो क्या है। मैं बस सिर्फ ये कहते मैं जाना चाहता हूं कहीं, तो मैं तो उसको जी जी आइटम नंबर चार फोर एक मिनट देते हैं मैडम, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं थोड़ा ये मौजू करके ना इसके बाद आपको देता हूं जी। जी ओसामा आप प्लीज मुख्तसर बात करें भी अच्छे से। ऐसा एक बात सबको देते हैं इसके जनाब, जनाब स्पीकर प्लीज बहुत शुक्रिया आपका, मैं इस ऐवान की तवज्जो कल